السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون محترم ذراع. الله رب العالمين نے दुनिया की जिंदगी को दो हालात में तकसीम कर दिया है एक है नेमतों के हालात खुशियों के हालात आयश और आराम की जिंदगी और दूसरा है मुसीबतें परेशानियाँ तकलीफ़ दुख और इन दोनों हालतों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खूबी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए वो है सब्र जब आप नमतों में हैं तब भी आपको सब्र की जरूरत है और जब आप मुसीबतों में हैं तब भी आपको सब्र की ज़रूरत है सब्र एक ऐसी अखला की जरूरत है जिसे आपको हमेशा अपने साथ रखना ज़रूरी है मिसाल के तौर पर जब आपके पास नियमतें हैं तब आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए भी सब्र की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जब नियमतें आती हैं तब वो तकबर करने से अपने आप को रोक नहीं पाते लोगों के साथ ज्यादती करने से अपने आप को रोक नहीं पाते अल्लाह रबीन के दिए हुए नेमत को गलत इस्तेमाल करने से अपने आप को रोक नहीं पाते क्यों क्योंकि उन नेमतों के हालात में भी दरअसल सब्र की जरूरत होती इसीलिए ओलमा ने सब्र को चार किस्मों में तकसीम कर दिया आप उसे चार हालात का नाम दे सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की आपको एतात व फर्म बरदारी करना है नमाज पढ़ना है रोज़ा रखना है हज करना है जक़ात देना है हुसन अखलाक इख्तियार करना है इल्म हासिल करना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एतात व फर्म बरदारी के काम है उसको करने के लिए आपको सब्र की जरूरत अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की एतात व फर्मबरदारी कर ही नहीं सकते मुमकिन ही नहीं है तो अगर आपको फर्माबरदारी करना है तो भी अल्लाह आलमीन की फजल और तौफीक से सब्र की जरूरत है दूसरा अल्लाह आलमीन ने जो आपके ऊपर हराम कर दिया है हराम माल हराम सलूक हराम बर्ताव उन तमाम चीजों से अपने आप को रोकने के लिए भी आपको सब्र की जरूरत है किसी आदमी ने आपको गाली दिया अब गाली देने से अपने आप को रोकना है अपनी जबान को रोकना है उसके लिए आपको सब्र की जरूरत है किसी ने आपके साथ बदअखलाकी कर दिया आपको एहसान के साथ जवाब देने के लिए सब्र की जरूरत है वरना गाली का बदला गाली मार का बदला मार ये हर कोई दे सकता है क्योंकि मारना बहुत आसान है गाली देना बहुत आसान है लेकिन उसके बदले सब्र करके अच्छी बात बोलना अच्छा सलूक करना एहसान करना यह बड़ा काम है और उस बड़े काम करने के लिए आपको सब्र की जरूरत अल्लाह आलमीन की जानिब से बहुत सारी चीजें आपके ऊपर मुसीबत बनकर नाजिल होती यह तकदीर का हिस्सा है आपका माल बर्बाद हो गया आपका बेटा मर गया आपकी बीवी मर गई आपके सारे मामला अच्छे चल रहे थे अचानक सब मुसीबत में बदल गए हादसा हो गया कोई ऐसी बीमारी आई और उस बीमारी ने आपके किसी करीब तरीन शख्स को मौत के घाट उतार दिया आपका उसमें कोई इख्तियार नहीं है इन जैसे मामलात में भी आपको सब्र की जरूरत है इसी तरह से आपके समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी मस्जिद में आपके मदरसे में आपकी सोसाइटी में आप जिस बस में चल रहे हैं उसमें हर जगह ऐसे लोग हैं जिनसे आपको तकलीफ पहुंचती है वो तकलीफ छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है ऐसी लोगों की तरफ से आने वाली तकलीफों पर भी आपको सही रद्द अमल के लिए सब्र की जरूरत है सही रद्द अमल गलत रद्द अमल तो कोई भी दे सकता है आप लाइन में खड़े थे एक आदमी आया और उसने लाइन तोड़ करके आपको पीछे किया और खुद आगे बढ़ गया आप उसको गाली दे सकते हैं बुरा भला कह सकते हैं जलील कर सकते हैं यह छोटा काम है लेकिन सब्र करके उसकी तकलीफ को झेल लेना और उसे प्यार से समझा देना ये बड़ा काम है और उसके लिए सब्र की जरूरत है कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी का हर लम्हा हर लम्हा ऐसा है जिसमें आपको सब्र की जरूरत है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माओत या आहदुन आतान विन सब्र कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी लोग हैं उनको सबर से ज़्यादा बेहतरीन और सबर से ज़्यादा कुशादा कोई चीज अल्लाह रब्बुल ने किसी को अता नहीं किया और उमर क्या हैं? उमर कहते कि हमने जिंदगी की तमाम भलाइयों को सब्र के जरिए हासिल किया अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप देखेंगे कि अगर आप जा रहे हैं अचानक पता चला कि लाइट रेड हो गई आपको इंतजार करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उस पर भी गुस्सा कर रहे हैं क्यों भाई एक नेचुरल चीज है उस पर आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है तो सब्र की कमी आपको जिंदगी के हर मोड पर परेशान करेगी लेकिन अगर आपके अंदर सब्र है तो इंशाल्लाह आप बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि हम लोग चलते हुए जा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में थे और आपने एक ऐसी चादर ओढ़ रखा था जिसका किनारा बहुत मोटा था एक देहाती ने आकर के पीछे से वो चादर पकड़कर इतना तेज खींचा कि आपके कंधे पर उस चादर के निशान पड़ गए आपने पीछे देखा और मुस्कुरा दिया आपने पीछे देखा और मुस्कुरा दिया क्या आपको गुस्सा नहीं आया आपको तकलीफ नहीं हुई आपको तकलीफ हुई जाहिर से बात निशान पड़ गया तो तकलीफ तो हुई ना लेकिन आपने जो रद्द अमल जाहिर किया वो क्या है तबस्सुम, मुस्कुराहट सब्रह्मल बर्दाश्त और यही नबी वसल्लम की सुन्नत अल्लाह आलमीन ने कुरान करीम में सब्र करने वालों के लिए बशारतें सुनाई फरमाया वो बशर साबरीन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए अल्लाह रबी ने एक जगह फरमाया इन नमाफ साबिरुन अजरहम बेगैर कि सब्र करने वालों को बेहिसाब रोजी अदा किया जाएगा क्योंकि सब्र करने वालों को जिंदगी के हर लम्हे में सब्र करना है नमाजी लोग कि नमाज अदा करने का टाइम फिक्स है हाजी की इबादत का टाइम फिक्स है लेकिन सब्र ये एक ऐसी खूबी है जो आप करेंगे तो इसकी जरूरत हमेशा है अभी आप रुककर कर सुन रहे हैं क्या इस दर्द सुनने के लिए अपने नफ्स को आपने रोका नहीं हुआ है क्या ये सब्र नहीं है लिहाजा हम और आपको चाहिए कि हम और आप सब्र को अपनाएं हमारे समाज में बाज लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें आप कहेंगे कि आप सब्र कीजिए तो कहते हैं सब्र नहीं होता है लेकिन अल्लाह के नबी सलो फरमाते हैं वहीं तसबर यु सब्बिर जो इंसान सब्र करता है सब्र करने की कोशिश करता है अल्लाह आलमीन उसे सब्र अता करता है गोया सब्र सीखने की चीज़ है जिस तरह पैदा होने वाला बच्चा एक एक कदम चल करके चलना सीखता है जिस तरह एक बच्चा अलिफ बा ताशा के ज़रिए आगाज़ करके कुरान सीखता है वैसे ही आपको सब्र करना सीखना है आप ज़िंदगी के जिस मरहले में भी हैं आपको जैसे अलिफ बताशा के ज़रिए अरबी सीखी जाती है वैसे ही आप छोटे छोटे कदमों से सब्र करना सीखिए यहाँ तक कि आपको सब्र आ जाए लेकिन ये ना कहिए कि आप सब्र नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह रबालमीन ने बंदों को जिस चीज़ का भी हुक्म दिया है बंदे वो कर सकते हैं अल्लाह रब्लमी Al ने कर्न करीम में सब्र करने का हुक्म दिया है लिहाजा एक मुसलमान सब्र कर सकता है सब्र करना सीख सकता है अल्लाह रब्लमी Al से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्लम Al हम सब को सब्र की अहमियत उसकी अजमत को समझने की तोफ़ी अदा फरमाए और हम सब को बर्दाश्त करने, सब्र करने एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने और उनकी तकलीफ़ों को अंगेज़ करने की तोफ़ी अदा फ़रमाए आमी अल्लाम उरह वरकू